हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ जी, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल, बताइए जरा, आवाज आ रही है? यस सर, ओके, यस सर। फिर आज क्या धमाका करने के इरादे हैं आप लोगों के? देखिए, कल हमने ग्रुप थ्योरी में ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट का बहुत अच्छा टॉपिक किया था, काफ़ी मिठास भरा टॉपिक था। जिस भी बच्चे ने ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, बहुत अच्छा टॉपिक है, और जो भी आपको समझाया गया है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्या क्या करना होता है। कल हमने न्यूमेरिकली या यूं कहिए प्रैक्टिकली देखा था। आज हम थोड़ा कुछ बहुत अच्छे फेमस रिजल्ट्स करने जा रहे हैं, जिसमें से एक रिजल्ट आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट क्लास कह रहा हूँ। आइए ज़रा मैं रिकॉल कर दूँ डेफिनेशन। यस हाँ जी, गिव मी वन सेकंड। हाँ जी, आइए रिकॉल कीजिए, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन का क्या मतलब है? भैया जरा ध्यान से देखिएगा। तो दिस इज इफ एंड ओनली, आपको बोला था एन इज द हाँ जी, कल हमने ये वेरीफाई भी किया है, आज इसको बहुत तरीके से लिखेंगे क्योंकि हमें कुछ रिजल्ट्स को प्रूव करना है। देखिए, ये डेफिनेशन में दो भागों में ब्रेक कर रहा हूँ, जिसमें पहला पार्ट आएगा मेरे बिट्टा जी कि ये होना चाहिए, लेकिन खाली इतने होने से ऑर्डर तो डिक्लेयर हो नहीं जाएगा। अगर आपने एन को स्मॉलेस्ट दिखा दिया, ये स्टूडेंट्स जरा ध्यान दीजिए, एवरी वन आइज ऑन द बोर्ड, जो भी आपको दिख रहा है, मान लीजिए दिस इज अ क्लासरूम, हाँ आपका क्लास है। इस क्लास में बेटा जरा ध्यान से सुनना, आप सबसे बात हो रही है, प्लीज थोड़ा समझदारी से बात कीजिए। यस, इस क्लास में ऐसे पांच स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लिया गया है, ऐसे फाइव स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लिया गया है जिनके मैथ्स में एग्जैक्टली 90 मार्क्स है, मैथ्स में 90 मार्क्स है सबके, इन ये पांचों के 1 2 3 4 5। और इसमें से भी मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि ये जो भाई साहब है दूसरे नंबर वाले, ये जो है इनकी एज सबसे कम है, इन पाँचों में इनकी एज सबसे कम है। हाँ जी, इनकी एज सबसे कम है। तो मेरे बेटा, ये जो स्टेटमेंट अभी बोली गई है, ये जो पांच स्टूडेंट्स हैं 90 मार्क्स लाने वाले, इसमें से दूसरे वाला जो बच्चा आपने सेलेक्ट किया, उसकी एज सबसे कम है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ये सबसे कम एज? सबसे कम एज का मतलब, अगर किसी और स्टूडेंट के 90 मार्क्स आए हैं तो उसकी एज में और इस बच्चे की एज में इसकी एज लेस होनी चाहिए ना, इज दैट ओके? हेलो, तो ऐसे ही इधर इधर आ जाइए। देखिए, मैं कुछ लिख रहा हूँ, प्लीज जो बोला गया है ना उसको थोड़ा अप्लाई करो। कैसा? स्मॉलेस्ट सैटिस्फाइंग पॉजिटिव इंटीजर। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, ये अभी जो मैंने स्टूडेंट वाला एग्जांपल दिया था उससे जोड़िए जरा आप लोग। हाँ जी, ये सबसे छोटा ऐसा बच्चा है जिसके 90 मार्क्स आए, यानी किसी और बच्चे के अगर 90 मार्क्स आए तो उसकी एज में और इसकी एज में इसकी एज कम होनी चाहिए। लाइकवाइज एन शुड बी द स्मॉलेस्ट अमंग ऑल सेटिस्फाइंग अबव, यानी क्या मैं ये बोल दूँ, अगर कोई और ये सेटिस्फाई कर रहा है तो किसको कम होना चाहिए, एन को कम होना चाहिए या के को कम होना? भैया थोड़ा निकालो अंदर से यार, ऐसे कैसे चलेगा? सबको क्लियर हो गया है? yes, देखिए, आपको भी पता है कैसे पढ़ाया जाता है आप लोगों को, प्लीज़ ऐसे पढ़ के निकल जाएं या रात को याद किया सवेरे भूल जाएं, वो तो मेरे से देखा नहीं जाएगा। तो मैंने जो ब्रेक करके लिखा है, ज़रा लेट मी प्रेजेंट इट, लेट मी प्रेजेंट इट। अच्छा, ऑर्डर के केस में आप कोई भी इंटीजर ले लेते हैं या पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं? पॉजिटिव इंटीजर, तो ये वाला स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के लिए लिखने जा रहा हूँ मैं, ज़रा साथ दीजिए। हाँ जी, दूसरा, अगर बाय चांस कोई और पावर आइडेंटिटी के बराबर है जहाँ की वो पावर z प्लस में है, तो वही n इससे भी कम होना चाहिए।
सभी स्टूडेंट्स को ये डेफिनेशन समझ में आ गई। हेलो, यस जल्दी सो फटाफट याद कर लीजिए। दो चार बच्चे क्लास में रेगुलर हैं, बाकी तो कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। जल्दी से ये डेफिनेशन याद कर लीजिए। इसमें पहले वाला बच्चे को प्रैक्टिकली समझाने के लिए, प्रैक्टिकली दिखाने के लिए ज़रूरी है, वो आपने समझ लिया, आपने देख लिया। अब दूसरे वाला, जब आप कोई चीज़ प्रूव करेंगे, किसी एलिमेंट का ऑर्डर एन है ये प्रूव करेंगे, तो कैसे प्रूव करेंगे? ये मेथड्स आपको दे दिए गए हैं, मतलब दो स्टेप में काम होगा हमेशा, स्टेप नंबर वन एंड स्टेप नंबर टू। पहले स्टेप में आप शो करेंगे एलिमेंट का उतना पावर आइडेंटिटी होना चाहिए, दूसरे स्टेप में शो करेंगे वो पावर स्मॉलेस्ट थी, यानी अगर कोई और पावर वो चीज़ सेटिस्फाई कर रही है तो एन उससे भी छोटा है। हाँ जी, रेडी टू गो फॉरवर्ड? यस सर यस सर आप तो तैयार हैं लेकिन हम तैयार नहीं हैं। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। बेटा जी, इससे क्या मिलेगा? जल्दी जल्दी से बता दो। देखो, कल वाली क्लास याद करेंगे, ऑर्डर ऑफ एस 5, तो इमिजिएटली ये मिलेगा या नहीं मिलेगा? एक ही पास फाइव डेफिनेटली यही मिलेगा। ऑर्डर ऑफ BS 15, ये बताइए ये मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस सर एक या दो बच्चों की आवाज़ आ रही है, बाकी तो अभी भी लगता है रजाई में ही बैठे हैं। जागो भाई, थोड़ा बोलो, मिलेगा ना? नो यस नो, अब हम बैक गियर लगा रहे हैं, सभी लोग पार्टिसिपेट करें ज़रा आंसर देने में। हाँ जी, मान लीजिए एक्स ग्रुप का मेंबर है, पर मैंने ये बोल दिया आपसे, जल्दी से बताइए ऑर्डर ऑफ एक्स क्या होगा? ओके, एक बच्चे का आंसर आ गया, बाकी सब कहाँ है? निकालो ना, कुछ बोलो, फटाफट बोलो। स्पीक अप ऑल ऑफ यू। दो टेन बच्चों का आंसर आ गया। हाँ जी, 10, 3, 3 का आंसर आ गया। और बताइए। अच्छा ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो ऊपर मैंने क्यों आपको एग्जांपल दिया था, मेरे प्यारे प्यारे राजदुलारे बेटा, आप ये बताइए, अगर एक का पांचवा पावर आइडेंटिटी है तो 10th पावर भी आइडेंटिटी है, तो 15th पावर भी आइडेंटिटी है, मैं राइट? 20, ये 20th पावर भी। अरे आएगा या नहीं आएगा? आप इसी लिस्ट में, ऑल ऑफ यू, इस लिस्ट में से मान लीजिए आपने ये उठा लिया था, मान लीजिए, तो क्या मैं ये कंक्लूड कर लेता कि ऑर्डर ऑफ 20 है? बिल्कुल भी नहीं। बात समझ में आई भाई? 5 ऑर्डर होगा तो भी वैलिड है, 10 ऑर्डर होगा तो भी वैलिड है, ये तो समझ रहे हो। 20th पावर कब कब आइडेंटिटी आ सकता है? यस तो ये सर कंक्लूड करना कि ऑर्डर ऑफ एक्स 10 है, दिस इज अटर फूलिशनेस। नहीं, नाराज मत होइए। अब आप बताइए ये कब कब पॉसिबल है, मेरे प्यारे प्यारे राज दुलारे बेटा, जल्दी से बता दो। अगर एक्स आइडेंटिटी होगा तो भी एक्स का 10th पावर आइडेंटिटी हो जाएगा, अगर ऑर्डर ऑफ एक्स 2 होगा तो भी एक्स का 10th पावर आइडेंटिटी होगा, अगर ऑर्डर ऑफ एक्स 5 होगा तो भी एक्स का 10th पावर आइडेंटिटी होगा, और अगर ऑर्डर ऑफ एक्स 10 होगा तो भी इसका 10th पावर तब आइडेंटिटी होगा। आप क्या कर रहे हैं? आप डिलेमा में पड़ गए। मैंने आपको सिर्फ ये दिया है, और मैं बैक गियर लगाने के लिए पूछ रहा था, अगर किसी एलिमेंट का 10th पावर आइडेंटिटी है तो उसके ऑर्डर के लिए सही सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता, एम आई राइट? ये तो बिल्कुल बोल ही नहीं, बोलना ही नहीं है आपको कभी कि ऑर्डर ऑफ एक्स 10 हो गया, बिकॉज 10th पावर कैन बी ऑब्टेंड फ्रॉम फर्स्ट पावर, कैन बी ऑब्टेंड फ्रॉम सेकेंड पावर, कैन बी ऑब्टेंड फ्रॉम फिफ्थ पावर, एंड कैन ऑल्सो भी ऑब्टेंड फ्रॉम 10th पावर एज वेल। समझ में आ गई बात? यस सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसका जवाब दीजिए। जी, हम कुछ बोल रहे हैं, देखिए क्या होता है उससे ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि क्या नहीं होता। पहले वाले में ऑर्डर ऑफ 15 नहीं कह सकते, इज दैट ओके? नहीं कह सकते। यस सर दूसरे वाले में ऑर्डर ऑफ भी 10 यस नहीं बोलना है, क्या बोलना है वो बात की बात है। लाइक वाज लास्ट वाले में ऑर्डर ऑफ 7 नहीं बोलना है। नाउ लेट मी टेल यू क्या बोलना है आपको एग्जैक्टली। तो ज़रा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको,
एग्जांपल देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। मान लीजिए एक ग्रुप का मेंबर है और इसका ऑर्डर ना तीन है, ऑर्डर छोड़ो, ये चार्ट देखिए। सपोज ए पावर जीरो इज, वो तो होता ही है, फर्स्ट पावर आइडेंटिटी नहीं है, सेकेंड पावर भी आइडेंटिटी नहीं है, थर्ड पावर आइडेंटिटी है। नाउ व्हाट विल हैपन नेक्स्ट आपको अच्छे से पता है। ए फाइव भी नहीं आएगा, ए सिक्स आ जाएगा, आ जाएगा, फिर ए नाइन्थ आ जाएगा, आ जाएगा, फिर ए ट्वेल्थ आ जाएगा, आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा? आएगा तो हाँ जी, ज़रा ध्यान दीजिए। हमारे लिए आपको सिर्फ क्या करना है, ये ऑर्डर है, दिख रहा है आपको, ऑर्डर थ्री है, ऑर्डर ऑफ जो है थ्री है। मैंने आपको ऐसे ही इसको इसको छुपा के ये बोला मैंने आपको कि भाई ए का 12वां पावर आइडेंटिटी है। ये तो नहीं कंक्लूड कर सकते कि ऑर्डर ऑफ 12 होगा, एक्चुअल में तो थ्री था। अच्छा, ए का 6ठा पावर भी आइडेंटिटी है, ए का 9th पावर भी आइडेंटिटी है। तो भाई ये पावर्स, ऑल ऑफ यू प्लीज ऑब्जर्व, ये पावर 12, 6, 9 और ये जो है ऑर्डर थ्री, कौन किसको डिवाइड कर रहा है? तो ये ऐसे याद रखें, ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स 12, ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड 6, ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड 9। मुझे अभी बहुत सारी चीज़ें करानी है। हाँ जी, ये क्या लिख दिया सर आपने, ये डिवाइड क्या होता है? मैं बिकॉज पढ़ाता रहा हूँ तो ज़रा पहले सुनिए, इसका कितना आंसर आएगा? टू आंसर आएगा। अब ये क्या चीज़ लिखी है, ये ए बाई बी तो ठीक है, बट अगर ऐसा लिखा है तो देखो भाई, मैं भी बरसों से पढ़ा रहा हूँ, ओके, प्लीज सी ऐसे, सॉरी, ध्यान से देखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें तो बताते हैं आप लोगों को। पहले लिखा ऐसे, ठीक है, फिर लिखा ऐसे, फिर पता नहीं कलाई में क्या हो गया, कब ऐसे बन गया बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, रख दो नहीं आ रही। हाँ जी, ये ऐसे बना, फिर ये ऐसे बना, देखिए ये जो लिखा है ना हमने बिल्कुल ही गलत है। प्लीज़ पहले तो ये समझ लीजिए कि ऐसे लिखने में और ऐसे लिखने में ज़मीन आसमान का फर्क, ये नहीं करना है आपको कि गलती से ऐसे फिर हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल कहाँ चेंज हो गया पता नहीं। क्या मीनिंग होता है सर इसका, लेट मी टेल यू। हाँ जी, रिव्यू ऑफ डिविजिबिलिटी, आज तो बहुत कुछ पढ़ना है आप, और ये हम इंटीजर्स में बात करेंगे, ए डिवाइड बी। भाई मैं फिर आपको वार्न कर रहा हूँ, आप सबको, आपको ये हॉरिजॉन्टल बनाना है, ऐसे नहीं लिखना है और ऐसे तो बिल्कुल नहीं लिखना है। जो नोटेशन है वो ये है, हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, सॉरी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। क्या मीनिंग होता है इसका, इसको पढ़ते कैसे हैं देखिए। हाँ हाँ देखिए, क्या से कह रहे हैं, ए डिवाइड बी का मतलब बी इज इक्वल टू सम मल्टीपल ऑफ ए। जी, इसको पढ़ा जाएगा ऐसे, ए डिवाइड्स बी, ये ए डिवाइड्स बी है, ये एक्स डिवाइड्स वाई है, ये पी डिवाइड्स क्यू है, ये ए डज नॉट डिवाइड सी है। प्लीज़ ध्यान रखिएगा इसे। अच्छा, मीनिंग आ जाइए, बिना इसके आपका काम नहीं होगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एंड फ्यू सर्टन एग्जाम्पल्स आर कमिंग। ए डिवाइड्स बी का मतलब ये जो दूसरा एलिमेंट है दैट शुड बी सम मल्टीपल ऑफ पहले वाला। तो एग्जाम्पल के लिए, यस, टू डिवाइड करेगा फोर को, थ्री डिवाइड करेगा 9 को, फाइव डिवाइड करेगा 50 को, लेट मी सी, फोर डिवाइड, टू डिवाइड फोर, बिकॉज फोर कैन बी रिटन एज समथिंग इन टू टू। क्या लिखोगे यहाँ, पता नहीं, नहीं पता तो चलो फिर, 9 इक्वल टू समथिंग इन टू 3, क्या लिखेंगे यहाँ पर? हाँ जी, 50 इक्वल टू समथिंग इन टू 5। अरे कुछ निकालिए भाई, स्टूडेंट तो इतने वाइब्रेंट होते हैं, आप तो कुछ जवाब ही नहीं देते आप लोग। पहले वाले में 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 10 आएगा, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ये बताइए, 9 डिवाइड 3, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, वेट फॉर अ सेकेंड, 3 कैन बी रिटन एज समथिंग। मैं क्लास में पढ़ा रहा था, बच्चा कहता सर 1/3 लिख दीजिए। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ये क्या है, क्या है ये, व्हाट इज दिस, स्पीक अप, इंटीजर है ना, इंटीजर में नहीं होगा ये, ध्यान रखिए। अच्छा, ये मैं कॉर्नर में लिख रहा हूँ, इधर लेफ्ट साइड कॉर्नर में, आप लोगों को नजर आ रहे हैं या हाइड हो गए हैं? अच्छा, आपको दिख रहा है, गुड, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये लास्ट वाले में आइए, ये डिवाइड नहीं कर रहा है, इज दैट ओके? 9 3 को जेड में डिवाइड नहीं कर रहा है, क्लियर हो गया?
यस बड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा टॉपिक, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा आपने डेफिनेशन पढ़ लिया है. लेट मी रिपीट, ए डिवाइड्स बी का मतलब बी इज सम मल्टीपल ऑफ ए. सो 10 डिवाइड करेगा 20 को, बिकॉज 20 कैन बी रिटन एज समथिंग इनटू 10, और वो समथिंग में 2 आ जाएगा. बट 20 10 को नहीं डिवाइड करेगा, क्योंकि अगर आपको 10 को समथिंग इनटू 20 लिखना है तो यहाँ तो 1/2 ही लिखा जाएगा. एम आई राइट? और 1/2 इंटीजर नहीं है. क्लियर हो गया जी? हेलो. यस सर, यस सर. यस सर। सॉरी. डिवाइड करेगा? हाँ, बोलते जाओ भाई. यस सर। थैंक यू वेरी मच. अभी इतनी देर से आपको एक चीज़ बताई जा रही है कि ये नहीं बोलना है कि जैसे ही ए रेज टू पावर एन आइडेंटिटी आया, कोई भी बच्चा ये ना बोले कि ऑर्डर ऑफ एन हो गया. ये नहीं बोलना है. क्या बोलना है देखिए, अभी कंपेयर करके बताते हैं क्या बोलना है. यहाँ आ जाओ. यस ऑल ऑफ यू. हाँ जी, ये 12th पावर आइडेंटिटी है और 3 ऑर्डर है. तो क्या 3 टू, हाँ समझ गए, ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड कर रहे हैं 12, ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड कर रहा है 6 को. ऑर्डर ऑफ जो भी पावर आएगी, मान लीजिए ए का 24th पावर आएगी, तो 24th पावर में और ऑर्डर में कौन किसको डिवाइड कर रहा है? 3 और 24 कौन किसको डिवाइड कर रहा है? यस समझ में आ गया? सर। हाँ जी. तो ये लेना है आपको. क्या लेना है मतलब? कहीं लिखते तो हो नहीं तुम. सॉरी, लिख लेना बाद में. मतलब ये कई सारी चीज़ें क्लास में ऑब्जर्व भी करनी होती है. एक्चुअली इफ ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट, देन ए रेस टू पावर, मान लीजिए एम है, एन 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 में डील करते हैं. ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है. ए रेस टू पावर एन अगर ये आइडेंटिटी के बराबर है तो भैया ये कंप्यूट किया जाएगा. ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स है. सिंपल समझ में आ गया? हेलो. यस जल्दी से याद कर लीजिए, झटपट जो लिखा है तुम्हारे सामने झटपट याद कर लो उसको. इसके बिना काम नहीं होगा तुम्हारा, किसी का काम नहीं होगा. ये अभी आप राइट नाउ यू पीपल आर नॉट इन अ पोजिशन टू प्रूव इट. इसको देखिए, मैंने कल जो क्लास दी आपको उसमें ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट आपको दिखाया है अलग अलग ग्रुप्स में ले जाके, तो आपको क्लियर हो गया कि हाँ ऐसे ऑर्डर निकलते. आज ये जो है, ये चीज़ मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दी, तो ये भी क्लियर हो गया. लेकिन इसका अभी प्रूफ है, ये जो सामने लिखा इसका प्रूफ बाद में करेंगे, अभी नहीं कर पाओगे. अभी बाकी चीज़ों का प्रूफ है. हाँ जी, आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? आप सभी महारथी? यस सर। अच्छा, अब बताइए, पहले वाला बताइए. ऐसे नहीं पीछे छोड़ूंगा भाई, मेरे से नहीं बच सकते तुम. फटाफट जवाब दो, वेट कर रहा हूँ. क्या आगे बढ़ने को तैयार है यहाँ पे? हाँ, बड़ी गलत बात है. ऑर्डर ऑफ है 15 होगा या 15 को डिवाइड करेगा? हाँ, इतनी देर हो गई समझाते हैं, कुछ बोलते नहीं. ऑर्डर ऑफ भी 10 होगा या 10 को डिवाइड करेगा? सो व्हाई डोंट यू आंसर? वहाँ से पॉसिबल ऑर्डर्स पता लग गए. दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ 15 को क्या क्या डिवाइड कर सकते हैं? 1 3. कुछ आया बेटा जी दिमाग में? समझ रहे हैं? यस सर। सो दिस इम्प्लाइज यस ऑर्डर. हाँ हाँ जी, ऐसे होता है. 1 2 5 10. दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ एक्स. सॉरी, ये तो बहुत बढ़िया, ये तो याद हो गया तुम्हें. ये भी याद कर लो जल्दी से. ये मत बोलना सर बस करो आगे चलो. नहीं, मेरे को पता है जैसे ही कोई चीज़ आपसे पूछी जाती है आपका क्या हाल होता है. फटाफट याद करिए इसको. आज आपको डिफरेंट रिजल्ट्स करने, जिसमें ये प्रूव करना पड़ेगा. तो प्रूव होता है 2 स्टेप में. पहले स्टेप में एक्चुअल में पावर लीजिए और आइडेंटिटी प्रूव कीजिए, और दूसरे स्टेप में ये शो कर दीजिए कि वो जो पावर आपने लिया है वो सबसे छोटा पॉजिटिव पावर है. यानी कोई और अगर पावर के लिए वो सेटिस्फाई हो रहा है तो पहले वाला पावर अगले वाले से लेस है. एक मिनट का टाइम दिया आपको.
सर, ये शीट वाला उठाना करो, शीट वाला एनर्जी टाइप कर लो, टाइप कर लो एनर्जी। हाँ इसी में, इसी में डालो, एक टाइप कर लो। हाँ एक ही है बस। हेलो, आर यू देयर? सभी स्टूडेंट्स जवाब देंगे। इसका क्या मतलब है? देखिए बी रेस टू, ओके, इसका इसका मतलब ही अभी मैंने जो समझाया। देखिए भाई, मेरे को जो सुनना है ना वो तो मैं सुन के रहूँगा, उसके बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। खाली इतने भर से तो नहीं सेटिस्फाई हो जाएगा ना सब कुछ, क्योंकि ऑर्डर के लिए स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए। दूसरा, इफ 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 कोई और पावर, कोई और पॉजिटिव पावर अगर ई के बराबर है, देन 10 कम होना चाहिए या के कम होना चाहिए? अरे कुछ निकालो अंदर से भाई, ऐसे कुछ नहीं कर पाएंगे। एन कम होना चाहिए, सॉरी। 10 कम होना चाहिए, 10। सो 10 शुड बी लेस देन इक्वल टू के। इज दिस डेफिनेशन क्लियर टू एवरीवन? यस सर। थोड़ा इन्वॉल्वमेंट दिखाइए आप सभी लोग, डांट सुनेंगे नहीं तो। अभी इसी तरीके से मान लीजिए एक्स ग्रुप का मेंबर है ऑल ऑफ यू, और मैंने ये लिख दिया एक्स रेस टू पावर के इज आइडेंटिटी, और इसका ऑर्डर फाइनाइट है, इसका ऑर्डर आपका फाइनाइट है। जल्दी से बताइए क्या पता लगेगा ऑर्डर ऑफ एक्स में और के में क्या रिलेशन है? बेटा कुछ निकालो, मेरा तो दिल ही टूट जाएगा मुझे। इक्वल या डिवाइड? इक्वल इक्वल। अरे इतनी देर से जो समझाया था सबको नहीं, पानी डिवाइड फेर दिया। डिवाइड सॉरी इक्वली तो नहीं बोलना डिवाइड। है, इक्वली तो नहीं बोलना है। कोई पावर अगर आइडेंटिटी के बराबर लिखी है तो ऑर्डर उतना थोड़ी ना होता है, इसको डिवाइड करता है। इज दैट ओके? यस सर। ओके, पहला प्रॉब्लम। एक आपको शॉकिंग न्यूज़ देते हैं। हाँ जी, चाहिए आपको शॉकिंग न्यूज़? यस सर। देखो भाई, मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट होके पढ़ाता हूँ, तो अगर नए नए बच्चों को मतलब मेरे से डील करना पड़े तो मेरे को भी पता है नए बच्चे बहुत मुश्किल से रुके। मनीष सर फिर भी किसी तरह बच्चा बच्चा करके या अच्छे से करा के रोक लेते हैं आप, बट आई टीच एवरीथिंग। ओके, आई टीच एवरीथिंग। ये तो खाली अलजेब्रा में, मैं रियल एनालिसिस भी है और स्टेटिस्टिक्स भी है। जस्ट मैं ये नहीं कह रहा कि सर से मत पढ़िए, मैं जस्ट वैसे बता रहा हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरे से मतलब अगर आप साथ साथ नहीं चलेंगे तो आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, बिकॉज आगे जाके सब कुछ मेरे को ही कराना है। तब तक आप हमारे साथ कंफर्टेबल भी हो जाए, आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ? इसलिए ठीक से करिए, देख रहे हैं ना यस एक एक चीज़ कैसे कराई जाती है। ठीक से करिए, आगे बहुत लंबा सफर है। आइए जरा, प्रॉब्लम नंबर 1। हाँ जी, क्या है प्रॉब्लम? ऑर्डर ऑफ ए वर्सेस ऑर्डर ऑफ ए। मैम ये प्रॉब्लम मैं करा देता हूँ, बट मैं फिर वही कहूँगा, जिस बच्चे को ये डेफिनेशन नहीं पता, बोर होने की तो ज़रूरत है नहीं बेटा। इससे दो चीज़ें निकल के आएंगी। पहला, एक तो nth पावर आइडेंटिटी होना चाहिए। दूसरा, अगर कोई और पावर आइडेंटिटी है तो n शुड बी लेस देन इक्वल टू k, वेयर k इज पॉजिटिव। इज दैट ओके? बार बार ये चीज़ बताई जाती है, पढ़ाई यस तो ऐसी होती है। सर। ग्रेट, आइए बहुत ध्यान से देखिए क्या मजे में होगा ये। लेट ऑर्डर ऑफ ए इज एन, एन वी शो दैट, वी शैल प्रूव दैट कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स भी एन है। ठीक है? हाँ जी, आप सभी लोग प्लीज इसको जरा केयरफुली देखिए। प्रूफ नहीं, ये व्हाट डू यू मीन बाय दिस? क्या दो स्टेप का काम नहीं है? स्टेप वन, स्टेप टू। फर्स्ट कंसिडर ए इनवर्स का पावर एन। क्या इसको आप ए एन इनवर्स लिख सकते हैं? बोलिए बोलिए, डेफिनेटली लिख सकते हैं। क्या ये ई पावर माइनस वन? वो तो ई हो गया। पहला स्टेप समझ में आ गया, पावर एंथ पावर आइडेंटिटी होना चाहिए, स्टेप नंबर टू। हाँ जी, स्टेप नंबर टू, स्मॉलेस्ट शो करेंगे, स्मॉलेस्ट शो करेंगे। लेट कीजिए, लेट ए इनवर्स रेज टू पावर के इज आइडेंटिटी, जहाँ की के जो है वो जेड प्लस का मेंबर है। किसको छोटा दिखाना है? अगर ये भी नहीं पता आपको तो आप तो पढ़ने लायक ही नहीं। टू शो एन इज लेस देन इक्वल टू के,
एन शुड बी लेस इक्वल टू, कैसे आएगा जरा सा आता हूँ देखो कैसे आएगा जी। अगर ए इनवर्स का केथ पावर आइडेंटिटी है तो मैं ये लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं बिल्कुल दोनों तरफ एक बार और इनवर्स ले लीजिए, ये लिख सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे बेटा, हाँ बोल दीजिए फटाफट बताइए। yes. बहुत बढ़िया, झंडे गाड़ दिए आज तुमने। ये अब जो तुम्हारे सामने है, किसी ने खबरदार या तो बोलना नहीं कुछ, बोलना तो सही बोलना। अब जो आपके सामने स्टेटमेंट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेइंग ए पावर के इज आइडेंटिटी, मैंने इतनी आधा घंटा हो गया आपको पढ़ाते हुए, बोले ऑर्डर ऑफ ए में और के में क्या रिलेशन होगा, ऑर्डर ऑफ ए में और के में, बच्चे बोल नहीं रहे। इक्वल या डिवाइड, डिवाइड। ओहो थैंक यू वेरी मच, बट ऑर्डर ऑफ ए तो एन, एन के को डिवाइड करेगा। हाँ जी जल्दी बताइए, दो चार को डिवाइड करता है या चार दो को डिवाइड करता है, जेड में दो चार को डिवाइड करता है, चार थोड़ी दो को डिवाइड करेगा, यानी इधर वाली चीज इधर वाली चीज से कमी रहेगी हमेशा या इक्वल हो सकती है। बेटा जी बात समझ में आ गई, जल्दी बोलो हाँ, अच्छे से पहले प्रूफ देख लीजिए, कल ये सब नहीं किया था आज यही सब करना है, चार रिजल्ट्स कराने हैं फटाफट देखिए स्टेटमेंट्स, पहला स्टेप। दूसरा कॉपी करने की कोशिश भी मत करिए, बाद में समझ समझ के कॉपी कीजिएगा, पहले ये समझ लीजिए किसी एलिमेंट का ऑर्डर प्रूव कैसे किया जाता है कि एन है या कुछ और है। आपको दो स्टेप्स में काम करना पड़ेगा, पहले स्टेप में उतना पावर प्रूव कीजिए कि आइडेंटिटी है, दूसरे में कोई और पावर अगर आइडेंटिटी के बराबर है तो जो पहले वाला जिसको स्मॉलेस्ट शो करना है वो छोटा दिखाइए। क्लियर हो गया? यस सर। ओके यस सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर टू, फिर भी इसको जी भर के देख लीजिए क्योंकि अगला प्रॉब्लम आप ही को ट्राई करना है। करेंगे ट्राई, या पिछला पेज दिखाऊं, सिर्फ इसको समझो, कॉपी कर, कॉपी करने के लिए पूरा 24 घंटा पढ़ाई है। ये करिए, आपको करना है ऑलक बस ऑनेस्ट होकर ट्राई कीजिए, और ये जब मीटिंग खत्म हो जाएगी तो दोबारा ज्वाइन करना है। आर यू पीपल ट्राइंग? यस सर। हो रही देखिए, आई नो कुछ नहीं किया तुम लोगों ने, ट्राई किया ऑनेस्ट हो गया नहीं, एवरीवन आईज ऑन द बोर्ड, बस करो भाई मैं और नहीं सहन कर सकता। लेट ऑर्डर ऑफ ए देन ऑर्डर ऑफ बी ए बी वर्सेस एन, पहला स्टेप बताइए क्या करना है, अरे क्लास में हो या नहीं हो, कंसिडर बी ए बी इनवर्स का nth पावर। बेटा दो क्लासेस पहले कराए, दो क्लासेस पहले कराए हैं मैंने,
शर्म करिए थोड़ी, कुछ याद नहीं आप लोगों को। याद आया, दो क्लासेस पहले की बात, आप कुछ पढ़ने से मतलब ही नहीं आप लोगों को, लेकिन गलत बात है। पहला टेस्ट आपका अलजेब्रा का ही है, क्लियरली बी ए बी यूनिवर्स का nth पावर। दिस विल बी, मैं थर्ड पावर लेके दिखा देता हूँ, कुछ बच्चों को तो हार्ट अटैक ही हो जाएगा। हाँ जी ठीक है, याद आया कुछ? यस तो आपको nth पावर को यस लेके, हाँ थोड़ा अलजेब्रा पे भी ध्यान दे लीजिए। दिस इज सेम एज बी एन बी इनवर्स, बट ऑर्डर ऑफ तो एन है, तो ये हो जाएगा बी ई बी इनवर्स विच इज बी बी इनवर्स विच इज ई। क्लियर हो गया सबको? स्टेप टू, अब स्मॉलेस्ट शो करेंगे, लेट इसका कोई और पावर ले लीजिए आइडेंटिटी के बराबर। कोई बच्चा बताएगा क्या शो करना है, या बस बैठ के नॉवल पढ़ रहे हो, वो जवाब नहीं दोगे? एनिस चलिए एटलीस्ट यहाँ से पता लगेगा बी ए के बी इनवर्स इज बी, यहाँ से पता लगेगा। चेक करिए, पहले बी इनवर्स के साथ प्री मल्टीप्लाई, देन बी के साथ पोस्ट मल्टीप्लाई। स्टेप समझ में आया? बोलो। देखो भाई, मैं यहाँ दो चार लाइनें लिख दूंगा ना, तो दो चार स्टेप पूरा ये बोर्ड कवर कर लेंगे। लेट मी टेल यू बेटा, आप लोग ना थोड़ा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहे। अब बोलिए, बी इनवर्स के साथ प्री मल्टीप्लाई, बी के साथ पोस्ट मल्टीप्लाई। स्टेप समझ में आ गया? यस ये लिख देता हूँ यहाँ, बी इनवर्स बी जी जी। लास्ट वाला लाइन देखेंगे आप लोग सब, फटाफट बताइए क्या मिलेगा लास्ट वाली लाइन से। खबरदार किसी ने गलती की तो देखो भाई, मेरा ना दिल टूट जाएगा। हम बड़े एंड डिवाइड बाय की टाइम के बारे में, ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स दैट इज एन डिवाइड्स दैट इज एन इज लर्न ही। सबको क्लियर हो गया क्या करना होता है? बस क्लास एंड ही होने वाली है, इससे पहले कि एंड हो मैं ज़रा दो तीन चीज़ें दिखा दूँ आपको। हाँ जी, ऑल ऑफ यू, लिस्टिंग लिस्टिंग, ये ए पावर एंड आइडेंटिटी क्यों है, हर चीज़ का रीज़न लिखना बताया आप, तो यहाँ भी लिखना ही पड़ेगा। ऐसे ही अगले वाले में आएंगे, ये ए पावर एंड आइडेंटिटी क्यों है, यहाँ भी रीज़न देना पड़ेगा। समझ में आ गया? क्लास एंड कर रहे हैं, दोबारा ज्वाइन करिए, एंड कराओ दोबारा ज्वाइन करो। 45 कितना, आप कितना दिख रहे हैं देखने का रिमेनिंग टाइम? ये रहा ना 2 मिनट का टाइम बचा है, दोबारा करो। हेलो, दो मिनट आओगे दोबारा? 7 सेकंड हाँ, 2 मिनट में अगला रिजल्ट तो नहीं होगा ना, सर मिस हो जाएगा, दोबारा ज्वाइन करिए। ओके सर बताएंगे, बताओ सर।
फिनिश माय स्लाइड तो बोलना आराम से बोलो। मैं 5 मिनट में, मेरे को 10 मिनट में बदलाव करता, ठीक है? थोड़ी पकती नहीं, ठीक है, ओके। सर एक ना स्टूडेंट है स्टेप पे, उसको स्कॉलरशिप टेस्ट दे रहे हैं, पर आप उसको थोड़ा सा कंटेंट बता दो क्या है, उसको वो बड़ी डाइस हो गई है, क्या है स्कॉलरशिप टेस्ट में, क्या सिलेबस आएगा, सर जैम्पल कैसे प्रोसेस है, तो जहाँ तक आपने पढ़ा हुआ है वहीं तक पढ़िए, कोई ऐसा इशू नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है एकदम, जो ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा हुआ है ना उन्हीं से, उन्हीं से अलजेब्रा है, एनालिसिस है, एनालिसिस में वही रियल एनालिसिस होगा, लिमिट क्वांटिटी का थोड़ा सा क्वेश्चन होगा, मैं तो पढ़ा हुआ है ना सीक्वेंस सीरीज, पढ़ा है नहीं पढ़ा, तो वही सब है उन्हीं में से, थोड़ा सा ग्रुप्स का है। नहीं क्या चीज के लिए प्रिपेयर करना है आपको, स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए, उसके लिए कोई जरूरत नहीं प्रिपरेशन की, वो तो वैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या प्रिपेयर करना है, फिर भी अगर आप प्रिपेयर करके देना चाहते हैं तो वही जो जैम का सिलेबस होता है ना, जैसे अलजेब्रा होता है, एनालिसिस होता है, कैलकुलस होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ठीक है, क्वेश्चन हेलो हमें वो कल कॉल कर लेना, अपन आपको टाइमिंग बता देंगे, ठीक है, ओके। हेलो, एनी स्टूडेंट्स आ रही हो यार, आवाज आ रही है? तो ब्रेक से पहले, हाँ जी, ब्रेक से पहले आपने झंडे गाड़े थे, अब आप तंबू उखाड़ेंगे, मतलब दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आने वाले हैं, हाँ, और उन उन दोनों के आने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा हैं, हिस्टोरिक रिजल्ट्स आप कमिंग, पहले मैं रिव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा, LCM एंड HCF का रिव्यू। हाँ जी, फॉर MN belongs to Z, L equal to LCM लिया जाता है और LCM लिखा जाता है, देखिए क्लोज इंटरवल से LCM लिखा जाता है, जरूरी नहीं है कि सब लोग लिख रहे हैं या आप कंफ्यूज हो रहे हैं, अब LCM लिखो ना, LCM, D को लिया जाता है HCF या GCD भी जिसको कहते हैं, और उसको डिनोट किया जाता है ओपन इंटरवल, देन ऐसा होता है या नहीं होता, LCM into HCF is product of two numbers, tell me yes or no, ये तो बता दो यार को, LDMN के बराबर होगा, ठीक, रिव्यू नंबर टू, नहीं A divides B तो पढ़ी लिया आपने, B divides C, then A divides C, this is called what should I call, transitivity जैसा होगा, A B को divide कर रहा है, B C को divide कर रहा है, तो A C को divide करें, इसमें तो कुछ है नहीं, लेकिन अब हम आगे की चीज़ पढ़ रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए everyone, ऐसा होगा या नहीं होगा, yes or no, टू डिवाइड एवरी मल्टीपल ऑफ, क्या इशू है, ए डिवाइड एवरी मल्टीपल ऑफ, हाँ जी बिल्कुल, बी डिवाइड एवरी मल्टीपल ऑफ, डेफिनेटली डिवाइड करेंगे, अच्छा ये बताइए,
ये प्रोडक्ट है ए बी सी डी के एम एन, इसको ए डिवाइड करे डेफिनेटली, इसको बी डिवाइड करे यस डेफिनेटली, इसको सी डिवाइड, जो भी यहाँ प्रेजेंट है सब डिवाइड करेगा भाई। मैंने लिख दिया है यहाँ पे, सॉरी ये तो लगता है परमानेंटली चिपक गए हैं, नाराज हो गया अगर दूसरी जगह लिख। कुछ नहीं हो सकता, चिपक गया भाई, सॉरी। एक ही है सर, कोई बात नहीं, बोल सब हटाए। नहीं मैं बात कर रहा था सेकंड रिव्यू की, सभी स्टूडेंट ध्यान। हाँ जी, ए डिवाइड्स के बी डिवाइड्स के, तो ये बताइए इनका क्या के को डिवाइड करें। मैं एग्जांपल देता हूँ, टू डिवाइड करते हैं 20 को, फोर डिवाइड करते हैं 20 को, ठीक है। एच सी एफ में तो कुछ है नहीं, इन दोनों का एलसीएम बताइए, एलसीएम कितना है, 2 और 4 का एलसीएम 4। तो दिस इम्प्लाइज, याद कर लो कि अगर दो डिफरेंट नंबर्स किसी तीसरे नंबर को डिवाइड करें तो उनका एलसीएम भी के को डिवाइड करें, उसी नंबर को डिवाइड करें। इज दैट ओके? यस ये आपके लिए रिव्यू है, रिव्यू नंबर 3। रिव्यू नंबर 4, अभी जितनी देर से बता रहे हैं आप लोग, ऑर्डर ऑफ फेज एन का क्या मीनिंग होता है, दो मीनिंग या दो में सेपरेट हो जाएगा। पहला, ए पावर एन इज आइडेंटिटी। सेकंड, इफ ए पावर के इज आइडेंटिटी वेयर के इज इन जेड प्लस। भाई देखिए चुपना रही है, बहुत एन इज बोल, लेस इम्प्लाइज एन शुड बी, ये तो नहीं भूलोगे तो। नंबर 5, वेल अब प्रेजेंट में आ रहे, प्रेजेंट में आ रहे, देखिए कमिंग रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5 मार्क्स का रिजल्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या स्टेटमेंट, एच सी एफ और जी सी डी एक ही बात है। स्टेटमेंट याद कर लेंगे, लेकिन पहले इसको प्रूफ करा देते हैं आप लोगों को। लुक एट द स्टेटमेंट, थोड़ा डरावना सा लग रहा है बट आराम से हो जाएगा। देखो भाई, ऑर्डर ऑफ ए को अब मान लो कुछ एम मान लो, ठीक है। अगर ऑर्डर ऑफ एम है तो ये बन जाएगा एम डिवाइडेड बाय एच सी एफ ऑफ एम कॉमा एन। अभी मैंने आपको एच सी एफ और एल सी एम का रिव्यू दिया। एल को लिया जाता है एल सी एम, डी को लिया जाता है एच सी एफ। तो आप लोगों को याद है ना, एल डी किसके बराबर है, एम एन के बराबर, या एच सी एफ इन टू एल यस सी एम इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो बहुत ध्यान से देखिएगा इसको कैसे कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड बोर्ड है, अनलिमिटेड नहीं है, मैं एक एक करके सब कराऊंगा। आइए सॉल्यूशन, पहले मान लो ऑर्डर ऑफ ए को, ऑर्डर ऑफ ए जो है ये आपने एम मान लिया, हाँ जी। उसके बाद डिनोमिनेटर दिख रहे हैं आपको, ये एम एन का एच सी एफ है। अब एच सी एफ आएगा तो एल सी एम भी ले आइएगा, सब कुछ ले आइए। एल इक्वल टू एल सी एम, डी इक्वल टू एच सी एफ या जी सी डी, देयरफॉर एल डी इज इक्वल एम एन। शो क्या करना है ये देखते हैं, शो क्या करना है। ऑर्डर ऑफ ए पावर एन इक्वल टू, जी इधर है आपका एम और डिनोमिनेटर में है आपका एम कॉमा एन। यस, इट टेक्स द फॉर्म एम बाई डी, डी है वो तो, बोलो भाई।
हेलो, आर यू देयर? यस सर। अब इसको भी कुछ, बिकॉज हमने फ्रैक्शन में ऑर्डर नहीं पढ़ा है, तो इसको कुछ मान लीजिए, तो लैम्डा मान लो भाई। आप लोग जरा प्लीज केयरफुली आंसर करना, केयरलेसनेस नहीं, केयरफुलनेस चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेइंग ऑर्डर ऑफ एन इज लैम्डा? टू पार्ट्स, पार्ट नंबर वन, ऑल ऑफ यू, फर्स्ट पार्ट, स्टेप वन, निकालो कुछ। एक भी बच्चा नहीं बोल रहा। हाँ जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? पावर? एन की पावर लैम्डा सी ओ थैंक यू वेरी मच। चलिए, डूबते को सहारा दे दिया आपने, तो डिप्रेशन में ही चले जाते हैं। स्टेप वन, कंसिडर ए पावर एन पावर लैम्डा। हाँ जी, दिस इज सेम एज ए पावर एन पावर एम बाई टी, विच इज सेम एज ए पावर एम होल पावर एन बाई डी। तो ये थोड़ा बाय वाला ना चक्कर ठीक से रखना, मैंने थोड़ी देर पहले मना किया था कैसे नहीं लिखना है, तो उसको जैसे लिखा है वैसे ही लिखिएगा प्लीज। सभी जी, ऑर्डर ऑफ ए तो आपने एम मान लिया, अगर ऑर्डर ऑफ ए एम मान लिया तो ये तो ई रेस टू पावर समथिंग हो गया। वॉट इज आइडेंटिटी रेस टू पावर समथिंग? समझ में आ गया? क्लियर हो गया? यस सर। चलिए, पहला पार्ट क्लियर हो गया। अब स्टेप नंबर टू। यस हाँ जी, स्टेप नंबर टू, स्मॉलेस्ट दिखाएंगे। लेट ए पावर एन पावर के के इज आइडेंटिटी वेयर के बिलोंग्स कर रहा है जेड प्लस में। क्या चीज शो करना है? कौन छोटा है? लैम्डा छोटा है, ठीक है। यस सर। यहाँ तक लिखो पहले आप, लिख लो, फिर इसमें काफ़ी सारी चीज़ें चली जाएंगी, मेरे पास इतना ही स्पेस है। प्लीज़ राइट इट डाउन। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, एक सेकंड रुकिए जरा, एक मिनट रुकिए, एक सेकंड रुको भाई, शायद यहाँ हो जाएगा गेम से। मैं इधर कहाँ तक लिख सकता हूँ? सारे में लिख सकता हूँ, इधर इधर इधर। हाँ देखो, एक सेकंड रुको बेटा, कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे को यहाँ जो लिखा है बच्चे कह रहे हैं उनको नज़र आ रहे हैं। हाँ रहा है, रिकॉर्डिंग में हो जाएगा, रिकॉर्डिंग में आपको रिकॉर्डिंग में दिख तो जाएगा बट अपने बनाना ना। ठीक है, अब मैं उधर लिख सकता हूँ ना पूरे में? ठीक हाँ उधर बोल है रहा भाई, रुको, कोई ज़रूरत नहीं कॉपी करने की, मैं अभी करा देता हूँ। आइए आइए, मैं करा दूँ, हो जाएगा? ठीक हाँ हाँ इतना छोड़ के हो है, अब तो लिख दिया। आप छोड़ दो आगे अगले क्वेश्चन में। देखो भाई, सबके सब स्टूडेंट्स, एवरीवन, ओके, चलो ठीक है। देखिए, ये लटकिया है और आपको शो करना है लैम्डा लेस देन इक्वल के, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ से मिला आपको ए रेस टू पावर एन के इज आइडेंटिटी। आज की क्लास में बार 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 अगेन एंड अगेन ये चीज़ आपको समझाई गई है कि अगर एक्स का 10th पावर आइडेंटिटी है तो कोई भी बच्चा गलती से भी ये नहीं बोलेगा कि ऑर्डर ऑफ एक्स इक्वल टू 10 है। क्या बोलेगा? क्या बोलना चाहिए? इक्वल टू या ऑर्डर डिवाइड? ऑफ एक्स डिवाइड्स 10। डिवाइड्स 10। तो ज़रा ये यही चीज़ ये नीचे लगाइए ना, ए की पावर में लगाइए, लगाइए, बोलिए, आगे आगे बोलना चाहिए आप लोगों को। स्पीक अप एवरीवन, दैट इज, ऑर्डर ऑफ एक्स डिवाइड्स 10 के थैंक यू वेरी मच, दैट इज ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स एन के। एक एक स्टेप देखते जाओ, एन के दैट इज एम डिवाइड्स एन के। इसी के साथ एक चीज और, ये रेड में लिख रहा हूँ, याद कर लीजिएगा, ऑल्सो एन डिवाइड्स एन के। भाई एन डिवाइड्स एवरी मल्टीपल ऑफ एन, एन एन के को डिवाइड करेगा। दो अलग अलग नंबर किसी तीसरे नंबर को डिवाइड कर रहे, तो आपको क्या बताया गया था? टू डिफरेंट नंबर्स आर डिवाइडिंग द सेम नंबर, क्या बताया गया था? सॉरी एलसीएम प्रोडक्ट कहाँ से आ गया? हाँ एलसीएम पे डिवाइड कर देख तो जाइए इधर, तो दिस इम्प्लाइज एल डिवाइड्स एन के। अब भाई एल आया है, अकेला तो गोल खिला नहीं सकता, डी भी लिया, एल डी डिवाइड्स एन के डी। व्हाट इज एल डी? एल डी कितना होता है? एल डी कितना होता है? एम एन डिवाइड्स एन के डी। जी, एन से एन कैंसिल, एम डिवाइड्स के डी। ऊपर चलिए और ये देख के बताइए, एम बाई डी लैम्डा के बराबर है, तो एम किसके बराबर है? लैम्डा डी। थैंक यू वेरी मच, बोलिए क्या मिला, कौन छोटा हुआ?
कौन छोटा होगा भाई? छोटा हुआ दिस पर्टिकुलर रिजल्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई होप द रिजल्ट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थोड़ा मेरे को स्पेस को लेके डाउट था लेकिन अब दूर हो गया कि कहाँ लिखना है कहाँ नहीं लिखना। स्टेटमेंट सॉरी प्रूफ समझ में आ गया आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे पूरे चांसेस हैं आने के। किसी बच्चे को कोई स्टेप ना समझ में आया तो पूछ सकते हैं, ये मत बोलना कि सारे ही दोबारा बता दो, वो नहीं होगा भाई। इज दैट ओके? इज इट ओके? यस यस तो आगे बढ़ने से पहले ये हमने क्या किया है, लेट मी टेल यू क्या किया। देखिए क्या किया हमने, ये किया ऑर्डर ऑफ ए पावर है, हाँ जी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ऑर्डर ऑफ ए फाइव है, फाइव है तो ये तो पता है हम सबको कि ए का पांचवा पावर आइडेंटिटी, ये तो पता है। लेकिन आपसे ये पूछ लिया भाई ये बताओ ऑर्डर ऑफ ए पावर सेवन कितना होगा, ये कैसे निकालेंगे? ये ऊपर रिजल्ट जो लिखा है उससे निकालिए ना, उससे निकालिए। वॉट इज ऑर्डर ऑफ ए पावर सेवन? अरे अभी जो किया था दिस इज ऑर्डर ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच सी एफ ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कॉमा सेवन, so that would be 5 divided by HCF 5 comma 7, is that okay? 5 by 1 समझ में आ गया सबको? Yes. What would be order of a raised to power 15? Order of a divided by HCF of order of a comma 15. Clear हो गया? हाँ जी फॉर्मूला समझ में आ गया आपको? यस एक बात को, हाँ जी एक बात को और आंसर दे दीजिए। ये कैसे आएगा सेवंथ पावर का? तो फॉर्मूला लगा दिया आपने, माइनस सेवंथ पावर का कैसे आएगा? और तो मास्किंग कैसे आएगा बताइए? नो आंसर? कितने बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है ए पावर माइनस सेवन का ऑर्डर कैसे निकालेंगे? शुड आई टेल यू या वेट करें? कुछ बोल भी दो भाई, हो रहा है नहीं हो रहा है? एक बच्चे ने तो बोल दिया नहीं हो रहा। देखिए आज की क्लास का पहला रिजल्ट याद कीजिए, फर्स्ट रिजल्ट ऑफ टुडेज क्लास इफ यू कैन रिकॉल। ये देखो हाँ जी ऑर्डर ऑफ एन वर्सेस ऑर्डर ऑफ ए, थैंक यू। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ए माइनस सेवन? समझ में आया? तो सियान जी यही 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 तो रिजल्ट है, यही तो अप्लाई करना है आप लोगों को। क्लियर हो गया? तो अभी जो आपने, हाँ जी अभी जो आपने खतरनाक वाला रिजल्ट किया है कितने कमाल का है भैया। तो दिस क्वांटिटी इक्वल्स दिस क्वांटिटी, बेटा जरा यहाँ से समझो ऑल ऑफ यू क्या समझना है। ये स्टूडेंट्स फटाफट बताइए अगर आपको ऑर्डर ऑफ ए पता है क्या आप ये सब निकाल पाएंगे? इफ ऑर्डर ऑफ ए इज नोन देन कैन वी फाइंड ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर ऑर्डर ऑफ ए क्यूब? कैन वी फाइंड, यस और नो? यस। कैन वी फाइंड ऑर्डर ऑफ नेगेटिव पावर्स? आंसर दो बेटा। यस। ओहो कमाल ही कर दिया भाई तुम लोगों ने। तो आपको क्या समझ में? बस सिर्फ ऑर्डर ऑफ ए को पता करने की जरूरत है, यहाँ से ऑर्डर ऑफ एवरी इंटीग्रल पावर ऑफ ए पता लग जाएगा। कैन यू बिलीव दिस? कमाल है भाई। अगर ए का ऑर्डर पता है तो ए 100 पावर का ऑर्डर पता है, ए माइनस 100 का आपको ऑर्डर पता है। इज दैट क्लियर? इसलिए आपको इस रिजल्ट की रिस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी। बढ़ गई ना रिस्पेक्ट? बोलो। यस यस। स्टेटमेंट भी याद कर लीजिएगा और ये प्रूफ जो लिखा है वो भी। नेक्स्ट अगला रिजल्ट पिछले से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट,
वेरी 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 इम्पोर्टेंट। लेट ए बी इक्वल टू बी ए एंड को प्राइम, मैंने आपको बताया को प्राइम क्या होता है, को प्राइम कभी बात की है को प्राइम की, ही है ना, म्यू एन में की थी, डिविजिबिलिटी वगैरह सब बताया था, कुछ याद नहीं है लेकिन। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रिजल्ट, मार्वेलस रिजल्ट, हिस्टोरिक रिजल्ट, जरा तैयार हो जाइए, इसकी रिस्पेक्ट बढ़वाते हैं अभी आपसे। देखो भाई कल वाली क्लास याद करो, कल वाली लास्ट क्लास, शक्ल देखते ही याद हो जाएगा आपको कल आपने ये किया है। याद आ रहा है आप लोगों को, पढ़ के आए हैं या दिल तोड़ेंगे? नो यस नो नो नथिंग, सिलेबस कंप्लीट करा करा दो सर हमारा। व्हाट वाज ऑर्डर ऑफ ए इफ यू कैन रिकॉल, फोर। व्हाट वाज ऑर्डर ऑफ बी इफ यू कैन रिकॉल, थ्री। एंड व्हाट वाज ऑर्डर ऑफ ए बी, एनीबॉडी? हे भगवान क्या ऑर्डर आएगा यार, कुछ तो शर्म करिए। ऑर्डर नहीं था कल इतना ज़्यादा आपको पढ़ाया, इतना इम्पोर्टेंट बोला था इस क्वेश्चन, कुछ नहीं याद तुम लोग तो। क्या मैंने ये नहीं बोला ये क्वेश्चन आपको कहाँ कहाँ काम आएगा, कि ऑर्डर ऑफ ए बी नहीं होता है बराबर ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी, याद आया? यस सर। ये एग्जांपल है। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये लाइन पढ़िए जरा ठीक से पढ़िए, कुछ नज़र आया? कल तो मना किया यस था, आज कह रहे हैं, अरे हैं तो कब है, किन किन कंडीशंस में है, रिस्पेक्ट करिए, तो पिछले से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है भाई। ये रिजल्ट है, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर, है ना, यही हो गया। ऑर्डर ऑफ ए बी का प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी, यानी अगर आपसे ये पूछा जा रहा है ऑर्डर ऑफ एक्स वाई इक्वल होगा या नहीं होगा ऑर्डर ऑफ एक्स ऑर्डर ऑफ वाई, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड, प्री रिक्वायरमेंट क्या है, एक तो ए बी बी ए कम्यूट करना चाहिए, और दूसरा उनका एच सी एफ, ऑर्डर का एच सी एफ कितना होना चाहिए, वन, यानी कोप्राइम, कोप्राइम। स्टेटमेंट सबको क्लियर हो गया? यस। रिव्यूज के लिए तैयार हो जाइए, बिना रिव्यू के तो मैं आगे बढ़ता नहीं, आपको पता है। अच्छा ऐसे ऊपर कोने में आ रही है, मस्त आ रही है सर फोटो आपकी। हाँ जी देखिए मनीष सर भी क्लास ले रहे हैं। आइए जी रिव्यूज के लिए तैयार हो जाइए आप सभी लोग। ऊपर लगाना ठीक है सर, है ये नीचे लगाना? हाँ जी, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू आर में क्या क्या बोला था आपको, पहला ए पावर आर इज आइडेंटिटी, दूसरा इफ ए का ए पावर के इज आइडेंटिटी वेयर के जेड प्लस में, तो क्या क्या होगा? आर इज लेस देन, थैंक यू, इतना तो हासिल करवा दिया तुम लोगों। हाँ जी रिव्यू याद कीजिए बेटा, कितने बच्चों को ये याद है, ऐसा कब होता है अगर आपने किया है, अभी दो चार क्लासेस पहले किए हैं। थैंक यू वेरी मच, मतलब अगर ए बी बी ए के बराबर होगा तो हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। नंबर थ्री, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू के या डिवाइड्स के, डिवाइड। नंबर फोर, तैयार हो जाइए तैयार जी, ए डिवाइड्स के, बी डिवाइड्स के, तो क्या डिवाइड्स के, हम आस्किंग क्या डिवाइड्स, सॉरी एस मैं प्रोडक्ट बहुत प्यार हूँ, इससे बड़ा प्यार है तुम्हें प्रोडक्ट उससे बने। हाँ हाँ हाँ, लास्ट क्वेश्चन में भी आप ये बोल रहे थे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा केयरफुली बोले। एलसीएम ऑफ ए बी याद आया माई डियर आप सभी को? नंबर फाइव, पाँचवा, हाँ जी ध्यान से देखिए क्या लिखा है, ए डिवाइड्स बी सी, भाई जरा इसको ऑब्जर्व करो,
जरा ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, दो डिवाइड कर रहा है 28 को, यानी दो डिवाइड कर रहा है 7 × 4 को, लेकिन दो 7 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो दो दिख रहा है आपको कि 4 को डिवाइड करेगा। यहाँ ऑब्जर्व करिए, अगर ए के साथ बी को प्राइम, भाई ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अगर ए के साथ जैसे 2 के साथ 7 को प्राइम है, तो जो को प्राइम है वो ए बी को तो नहीं डिवाइड करेगा ना, 2 7 को नहीं डिवाइड करेगा, तो किसको करेगा फिर, किसको करेगा जल्दी बता दीजिए। समझ में आया स्टेप? हेलो यस सब, ये भी मतलब यस जब तक आपको दिखाया नहीं जाएगा ना, आप समझ भी नहीं पाएंगे कितना रट्टा लगाएंगे थ्योरम्स का, नहीं कर सकते, कर ही नहीं पाए। हाँ जी, इधर आइए। एम डिवाइड्स मान लीजिए एन के, और मैंने आपको ये बोल दिया कि भाई एम और के का एच सी एफ 1 है, अगर एम और के का एच सी एफ 1 है तो एम के को डिवाइड नहीं कर सकता, तो किसको करेगा? आंसर दे दो भाई, दिल मत तोड़ो। थैंक यू वेरी मच। एन को और देखिए, ए डिवाइड कर रहा है एन के को, और मैंने आपको बोल दिया ए कॉमा एन का एच सी एफ 1 है, यानी ए एन को डिवाइड नहीं कर सकता, तो किसको करेगा? करेगा ये बहुत बढ़िया, तो यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द थ्योरम। ये सारे रिव्यूज हैं आपके लिए, और एडिंग टू दीज रिव्यूज वही जो, और जो रिव्यूज हैं एच सी एफ इंटू एल सी एम इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वगैरह, वो सब आपको पता है, बट ये मोटी मोटी चीज़ें आपको दिखा दी गई हैं। आर यू यस रेडी फॉर द थ्योरम, रेडी फॉर द रिजल्ट? देखो आप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन गोज लाइक दिस, मैं कुछ भी छोड़ने के मूड में नहीं हूँ इसमें। देखो सॉल्यूशन, भाई यहाँ इधर लिखेंगे तो थोड़ा स्टेप्स और नीचे चले जाएंगे, तो जो प्री रिक्वायरमेंट से या जो सबसे पहले लिखना है मैं वो यहाँ लिख रहा हूँ। इधर इधर लिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं नज़र आ रहा ना ऊपर, तो किस्मत जगह थी। हेलो, यस छोटी छोटी चीज़ें जो शुरू में लिखी जाती हैं वो ऊपर लिखी जा रही है। देखिए आप ये लेट करेंगे, ऑर्डर ऑफ ए एम मान लीजिए, ऑर्डर ऑफ बी एन मान लीजिए, अब क्योंकि ये को प्राइम दिए हैं तो एच सी एफ तो आएगा ही आएगा, एल इक्वल टू इन दोनों का दोनों क्या लेना है, एल सी एम लेना है, पूरा पूरा लिख देना जैसे पहले लिखा। सॉरी, एल सी एम डी इक्वल टू एच सी एफ, ओके ठीक है। अब ये बताओ शो क्या करना है, ऑल ऑफ यू थोड़ा केयरफुली जवाब दीजिएगा, मैं मतलब मैं निराश नहीं होना चाहता। आपको शो करना है ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी, तो ऑर्डर ऑफ ए इंडिविजुअली ले लिया, ऑर्डर ऑफ ए इंडिविजुअली ले लिया, शो क्या करना है? यहाँ से यहाँ जाओगे, उसके बाद यहाँ से वापस आओगे, वी नाउ शैल प्रूव दैट, थोड़ा इन्वॉल्वमेंट दिखाया कीजिए भैया, ऐसे नहीं। ऑर्डर ऑफ ए बी इज एम एन, एम आई राइट? ये बोला क्यों नहीं आप लोगों ने, बहुत गलत बात है, बोलना चाहिए ना। इसके लिए पहला स्टेप बताइए, दूसरा स्टेप बताइए, स्टेप 1 स्टेप 2 ऑल ऑफ यू, स्टेप 1 स्टेप 2 टेल मी द फर्स्ट स्टेप। अरे ऑर्डर के लिए पहला स्टेप बताओ यार, एबी टू दी पावर एम एन इज इक्वल टू ए आइडेंटिटी आना चाहिए, तो कंसिडर ए बी पावर एम एन, क्या ये ऐसे हो जाएगा? ऐसा कब होगा? मास्किंग ऐसा कब होता है? याद करो भाई, बाकी दुनिया के लिए भले ही हमेशा होता रहे, आपके लिए तो हमेशा नहीं होगा। यू शुड राइट प्रॉपर रीजन, समझ में आया? ये आपको क्लास में करवाया है, ऐसा भी नहीं है कि बिना कराए बोल लो। हाँ जी, ए का ऑर्डर एम है, बी का ऑर्डर एन है, अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लीजिए। देखिए ये ई पावर एन हो गया, वो ई पावर एम हो गया, क्यों हो गया आपको अच्छे से पता है, बात समझ में आ गई सबको? एक एक रीजन दे दीजिएगा, सिंस ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी हो गया। यस आर यू क्लियर विथ फर्स्ट स्टेप ऑल ऑफ यू? यस ग्रेट। यस अब सेकंड स्टेप हो रहा है, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, मुझे पूरा पूरा पेज चाहिए एक्चुअल में, इसलिए मैंने वो स्पेस बचाया था।
स्टेप नंबर टू देखिएगा जरा ध्यान से, मैं निराश होके नहीं जाना चाहता भैया। स्टेप नंबर टू, सॉरी, लेट एक काम करो भाई, यहाँ तो मेरे को पूरा ही वो बोर्ड चाहिए, आप पहला स्टेप लिख लीजिए, लिख लीजिए यहाँ, क्योंकि ज्यादा लग जाए। प्लीज राइट, आर यू राइटिंग? यस सर। पहले लिख लो, कोई बात नहीं, यहाँ ज्यादा ज्यादा स्पेस है, यहाँ कम में काम नहीं चलेगा। हाँ जी, डन है ये, जल्दबाजी का काम नहीं, बहुत केयरफुली लिखना पड़ेगा। हो गया ये, मैं चल रहा हूँ, बिकॉज ये रिकॉर्डिंग में तो आएगा लेकिन अब वो। हाँ जी, पहला स्टेप हो गया, ठीक है, पहला स्टेप हो गया है, आ जाइए आप सभी लोग। भाई दूसरा स्टेप बहुत ध्यान से देखना, बड़ी उम्मीदों से सब कुछ कराया जाएगा। Step one, clearly a b raised to power m n identity we have shown, हाँ ये हमने show कर दिया। अब आते हैं step number two पे। Let a b raised to power k is identity where k belongs to z plus। कोई बच्चा मुझे बताएगा किसको कम दिखाना है, किसको less show करना है? MN is less than भाई बहुत बढ़िया, चलिए समझ समझ के बोल रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा सुन। हाँ जी, अब स्टेप्स जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से बेटा देखो। दैट इज ए के बी के इक्वल टू बी, फिर से यहाँ पे रीजन देना पड़ेगा कि ए बी का पावर के ए के बी के कैसे हो गया, वो आप लिखिएगा। आगे देखिए कोई बात नहीं, अब इधर ए के है, बी के है, किसी एक एलिमेंट को उधर ले जाइए तो ये बन जाएगा ए के इक्वल टू बी पावर माइनस, बन जाएगा। आप उल्टा भी कर सकते थे, b के इक्वल टू a पावर माइनस k भी कर सकते। हेलो, आर यू लिसनिंग? यस सर। जिस एलिमेंट को उधर लेके गए आप, उसका कौन सा पावर डोमिनेट कर रहा है देखो। ऑर्डर ऑफ a m है और ऑर्डर ऑफ b n है, तो n n n n ले लीजिए, n ले लीजिए। दैट इज a k n इक्वल टू b माइनस k n। क्या फायदा हुआ लेके, क्यों लिया? अरे देखो तो सही भाई, बेकार में परेशान हो रहे। क्लियर हो गया? हेलो, क्लियर है? यस सर। ग्रेट, आगे अगला स्टेप देखिएगा, मैंने बहुत ज्यादा स्पेस बचाया हुआ है। सो यहाँ आ गया a raised to power n k is identity। अगेन खबरदार आप सभी लोग, यहाँ तो कुछ बोलिए नहीं, यहाँ तो कुछ बोलिए नहीं, बोलेंगे तो सही सही बोलिए, बोलेंगे तो सही सही बोलिए। याद आ गया होगा आपको क्या बोलना है? हाँ जी, यहाँ से क्या पता लगेगा? अगर x का टेंथ पावर आइडेंटिटी है तो क्या होता है, क्या होता है माय डियर? इक्वल या डिवाइड? डिवाइड, डिवाइड, डिवाइड। थैंक यू वेरी मच, मैं इसको उधर लेके जाता हूँ।
भाई जरा केयरफुल हो जाओ। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ए एम डिवाइड्स एन के। हाँ जी, अगर पिछला थ्योरम किसी बच्चे को याद है तो हमने ये लिखा था लास्ट टाइम, ये लिखा था हमने, याद आ रहा है? थोड़ा सा तो याद ही होगा, लेकिन अभी ये लिखने का फायदा नहीं है। क्यों? ये लिखने का फायदा नहीं है। क्यों नहीं है? जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, प्लीज 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 लुक एट द गिवन इन्फॉर्मेशन। अरे इन दोनों का तो ऑर्डर आपस में कोप्राइम है। सॉरी, देखो ये एम है, ये एन है, ये तो कोप्राइम है ना? लीजिए, ऑल्सो एम कॉमा एन इज कोप्राइम। धन्यवाद आप सबका समझने के लिए। जल्दी से समझाइए मुझे क्या मिलेगा, किसको डिवाइड करेगा एम, किसको डिवाइड करेगा? थैंक को यू। अच्छा, यहाँ तक आने के लिए आपने क्या किया, क्या एक्सरसाइज किया? देखो देखो माय डियर, आपने ए बी का पावर के आइडेंटिटी लेट किया था, फिर ए के बी के सेपरेट हो गया, फिर आपने बी को उस तरफ लेके गए, फिर उसी का पावर लिया आपने और ये मिल गया। अगर मैं ये ना करके ये करता, देखे ऐसे देख लो, और मैं दोनों तरफ एम पावर लेता एम, तो आप समझ ही जाते कि क्या होने वाला है। समझ में आ गया होगा? ये ई आ गया, तो यहाँ से आपको मिलता बी के एम इज आइडेंटिटी, यानी ऑर्डर ऑफ बी डिवाइड्स के एम या एम के। हाँ जी, ऑर्डर ऑफ बी तो एन है, एन डिवाइड्स एम के, लेकिन ये दोनों तो आपस में कोप्राइम है, तो एन किसको डिवाइड करेगा, एन किसको? ठीक थैंक यू, बस लिखने की मतलब वो करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए। सिमिलरली समझ गए तो साथ जुड़े रहिए, साथ जुड़े रहिए। सिमिलरली एन डिवाइड्स के, हाँ जी, दो डिफरेंट, दो अलग अलग नंबर किसी तीसरे नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। एलसीएम जी, जिनको प्रोडक्ट से प्यार था वो, उन्होंने इस बार कुछ नहीं बोला। क्लियर हो गया? क्लियर बोला हो गया? अब जब, हाँ जी, जब एलसीएम हमारे पास बहुत स्पेस है हमारे पास शो करने के लिए, आइए पूरा ही कर देते हैं। एलसीएम डिवाइड कर रहे हैं, इसके बाद ये नीचे वाला स्टेप है। दिस इम्प्लाइज एल डिवाइड कर रहे हैं के को, भाई एल आया तो के भी, ये डी भी ले रही है, यही लिख देता हूँ। एल अकेला तो कुछ करेगा नहीं, जल्दी से बताइए एल डी कितना होता है, एच सी एफ इंटू एल सी एम क्या होता है? प्रोडक्ट थैंक यू वेरी मच। आप इधर आओ, जरा ऊपर देख के बताओ, ये जो रेड में लिखा है एम कॉमा एन इज वन, यानी डी वन है ना? क्वेश्चन में एच सी एफ वन है, क्वेश्चन में एच सी एफ वन है, कौन छोटा हुआ? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बैठने के लिए। देख लीजिए भाई, हो गया रिजल्ट प्रूफ, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप द प्रूफ इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। समझ में आ गया सबको? थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। आज एनालिसिस की क्लास नहीं हुई ना? हुई थी नहीं? तो बस आपका अलजेब्रा हो गया। हेलो, इज इट क्लियर? यस सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में सब कुछ पढ़ के आना, ऐसे ही होगा भाई, हर क्लास में ऐसे ही होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। रियल एनालिसिस की क्लास होगी। रियल की क्लास होगी? अच्छा, इसके बाद है ना? ठीक है, आज इसके बाद रियल पढ़ना आप। रोज रियल के बाद आप ये पढ़ते हो। देखो भाई, नेक्स्ट क्लास में तो बंद कर दिया। ठीक है, ठीक, इस पे बैठ के ठीक है, मजा आया ना पढ़ने में इस पे। अंदर तो मेरे बगल में बैठी ना, वहां पर बैठा ये मत आइए, तुम मेरे साथ बैठी हो वहां पर, जैसे बैठा हो तुम, बताया था उसने कल बैठा।